हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं और ये कभी भी ऐसा नहीं दिखाए आपको कि भाई आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये हो सकता है दूसरों को ज़्यादा महत्व देते हैं, दूसरे लोग इनकी प्रायोरिटी हैं, इनकी लाइफ में जो भी लोग हैं, दोस्त हैं, वो परिवार हो सकता है, इनका काम, उन लोगों को ज़्यादा महत्व ये देते आए हैं। कभी भी इन्होंने ये नहीं दिखाया आपको कि भाई आप भी इनके लिए ज़रूरी हैं, ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। आप इन आपकी प्रायोरिटी ये इंसान रहे, लेकिन इनकी प्रायोरिटी दूसरे लोग रहे हैं, ये हो सकता है। और आपसे जितना कुछ ये रिसीव किए हैं उतना बदले में आपको दिया भी नहीं है। और कभी ये वही है कि नहीं, आपको महत्व भी नहीं दिए। तो इस सब से क्या होता है कि आपके दिमाग में भी ये सब चलता है कि भाई आप का कहाँ, यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई स्थान है ही नहीं, ये सिर्फ टाइम पास का रिश्ता है। ये कहीं ना कहीं आपको भी लगने लगा है इनके रवैये की वजह से। अब ऐसा है गाइस कि इनको यही लगता है कि इनकी खुशी आपके साथ है, और यहाँ पर ये है कि आपके साथ ये रहेंगे तो ये अपनी लाइफ में खुश रह पाते हैं, ये भी इनको अच्छी तरह से समझ में आता है। और यहाँ पर देखिए, इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका ध्यान सबसे पहले आप ही की तरफ जाता है। इनके पास ऑप्शन की कमी तो दिखाई देती नहीं, बहुत से ऐसा है कि इनको प्रपोज़ल भी मिलते हैं और ये चाहें तो उनमें से किसी को भी चुन सकते हैं, लेकिन वही है, ये किसी और के साथ आगे जो नहीं बढ़ना चाहते। उसका कारण क्या है कि इनको आप पसंद हैं, आपका नेचर पसंद है, आप जिस तरह से इनके साथ व्यवहार करते हैं वो इनको पसंद है। इसीलिए क्या है कि जितने भी लोग हों इनकी लाइफ में, इनका ध्यान आपकी तरफ जाता है। इनको लगता है कि नहीं, इन सब में आप बेस्ट हैं। प्यार ये इंसान आपसे करते हैं गाइस। और यहाँ पर देखिए, इनको यही लग रहा है कि जो सेपरेशन अभी यहाँ पर हो सकता है, आप सेपरेट हो चुके हैं और सेपरेशन चल ही रहा है, तो यहाँ पर वही इनको लग रहा है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और फिर भी खुद को आपसे दूर रखा है, तो ये सही नहीं है। इनको ऐसा है कि इस रिश्ते पर अब काम करना चाहिए, बहुत समय बीत गया, आप दोनों अलग हैं, तो ये भी खुश नहीं है और आपके साथ इस सेपरेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपका वेट भी कर रहे हैं। पास्ट में तो आपके साथ धोखा हुआ है गाइस, इस इंसान ने हो सकता है किसी और के साथ रिश्ते में आ गए और आपको कुछ नहीं पता था और आपका साथ छोड़कर ये उन्हीं की तरफ बढ़ गए, ये भी हुआ। तो पास्ट में चीटिंग तो हुई है, कहीं ना कहीं ये बातें भी छुपाते थे, झूठ भी बोलते थे, और अगर आपको कहीं से सच पता भी चल जाए तो ये ऐसा है कि बात बनाने में भी माहिर हैं, ये आपको ही गलत साबित कर देंगे, आपको ही ब्लॉक करके चले जाएंगे ताकि कोई जवाब ना देना पड़े, ये भी इन्होंने किया है। और इनका यही रहा है गाइस कि ये आपके साथ माइंड गेम खेलते रहे हैं। देखिए, ईगोइस्टिक भी ये बहुत ज़्यादा हैं, अहंकारी हैं, और इनको अहंकार ऐसा है कि आप इनके पीछे जो भागते रहे वो इनके घमंड को और बढ़ा दिया। जो आप इनका साथ छोड़ना नहीं चाह रहे थे, एक पल भी इनसे अलग नहीं रहना चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं यही था कि ये गलती भी करें तो आप माफ़ कर रहे थे, इन आप ही झुक रहे थे, आप ही इनको समझा रहे थे, मना रहे थे, वो क्या इनका घमंड बढ़ गया। तो ये तो ईगोइस्टिक हैं ही, और उसकी वजह से भी क्या है, जैसा मन में आया वैसा व्यवहार आपके साथ किया गया है, आपको हल्के में लेते रहे ये इंसान। प्यार ये आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं गाइस, लेकिन ये कभी इस चीज़ को दिखाते ही नहीं। ये ऐसा बनकर दिखा रहे हैं कि इनको तो इनकी लाइफ तो आपके बिना भी अच्छी चल सकती है, जबकि ये वैसा कुछ भी नहीं है। ये भी आपको मिस करते हैं, आपके बिना ये भी नहीं रह सकते, लेकिन इनको क्या लगता है कि आपके भाव बढ़ जाएंगे अगर ये बताना शुरू कर दें अपनी फीलिंग, और किसी तरह से आपको समझ में आ जाए कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपके भाव बढ़ जाएंगे। इसलिए क्या है, ये इंसान ऐसा बनता है कि इसको आपकी ज़रूरत है ही नहीं। और इनकी लाइफ में कुछ तो भी अभी चल रहा है गाइस, ये बहुत ज़्यादा उलझे हुए भी हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनको ये, ऐसी समस्याएँ चल रही हैं जिनको ये सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान है। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, और इनको क्या लगता है कि आपकी लाइफ ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ ऐसा है जो भी आप चाह रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत से आप हासिल कर ले रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, यही ऐसा देख पा रहे हैं।
और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि कुछ जंजीरों में भी ये इंसान बंधा हुआ है, जिम्मेदारियों में फंसा हुआ है, या फिर यहाँ पर परिवार का दबाव है, ये हो सकता है जिसकी वजह से भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पर नज़र तो रख रहे हैं, लेकिन वही है कि ये इस चीज़ को नहीं चाहते कि आपको ये पता चले कि ये आपकी निगरानी करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं, इस चीज़ को बताना नहीं चाहते। और इनकी लाइफ में क्या परेशानियाँ हैं ये भी ये नहीं चाहते कि आपको पता चले। और अभी इनका जो रवैया है आपके साथ, जो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर अब आपको लगने लगा है कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, अब और इंतज़ार करना बेकार है, ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका, अब ये कभी वापस नहीं आएंगे, ये भी आपके दिमाग में चलने लगा है। और इनको ये लगता है गाइस कि ये आपके साथ खुश रह पाते हैं, ये आपके साथ जब भी जुड़ते हैं तो इनकी लाइफ में सब अच्छा चलता है, इनका चाहे वो काम है, चाहे वो परिवार के साथ संबंध है, सब कुछ सही रहता है। ये ऐसा है कि इनके सपने भी पूरे होते हैं, या जो सोचते हैं वो इनको मिल जाता है आसानी से। तो इनको लगता है आपके साथ जुड़कर आपका भाग्य जो है वो इनका भी साथ देता है, आपके साथ जुड़कर ऐसा है कि ये बहुत कुछ हासिल किए भी हैं। और अगर आपके साथ अभी भी रिश्ते में आ जाएँ तो जितनी परेशानियों में घिरे हैं ये सब हल हो जाएगा, ऐसा भी इनको लगता है। इनको ये लगता है गाइस कि आप इनकी पहली पसंद थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन समस्या यहाँ ये दिखाई देती है कि कोई आपके अलावा भी इनकी लाइफ में ऐसा है जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है। अब वो यहाँ परिवार हो सकता है या फिर इनके हस्बैंड वाइफ वगैरह हैं, ये भी हो सकता है कि जिसकी जिम्मेदारी इन पर है, जिसको ये छोड़ नहीं सकते। तो आपके साथ साथ उस इंसान को भी लेकर चलना होगा, ऐसा इनको लगता है। तो इस रिश्ते के लिए फिर आप तैयार होंगे या नहीं, ये सवाल इनके मन में है। अब देखिए वो जो दूसरा इंसान इनकी लाइफ में है, वहाँ पर प्यार व्यार तो इनके दिल में दिखाई नहीं देता, यहाँ पर ऐसा है कि जिम्मेदारी है और यहाँ पैसों का ही कह दीजिए तो पैसों से ही उनकी मदद करना है, उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है, यही सारी चीज़ें हैं। और प्यार की बात करें तो उस इंसान के लिए तो कोई प्यार नहीं है, प्यार यहाँ पर आपके लिए है और ये आपका साथ देना चाहते हैं, पर वही है कि उस इंसान को छोड़ देना भी इनके लिए ऐसा है कि मुश्किल है। अब इस इंसान के साथ हो सकता है ये परिवार वालों की वजह से बंधे हैं, या फिर वही है कि परिवार ही के लोग हैं ये जिनको ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो भी हो सकता है, लेकिन वही है कि उनको ये लगता है कि ऐसे रिश्ते में आप शायद ही रहेंगे जहाँ पर ये आपको और थर्ड पार्टी को साथ में लेकर चलें। और यहाँ पर देखिए इनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, आपके पर्सन का हाल जरा ऐसा है जो पैसों को बहुत महत्व देते हैं, प्रॉपर्टी पैसा इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी परिवार है तो इनको ये लग रहा है कि अगर उनके खिलाफ ये जा रहे हैं तो फिर हाथ में तो कुछ भी नहीं आएगा, जो भी वहाँ से मिलना है शेयर प्रॉपर्टी वगैरह में वो भी नहीं मिलेगा, ये हो सकता है यहाँ पर परिवार ही आपके लिए तैयार नहीं है। तो इनको ये लगता है कि इन्होंने जो हासिल किया वो भी इनके हाथ से निकलेगा आपके साथ जुड़ेंगे तो। और वहाँ जो थर्ड पार्टी है, अगर इनके हस्बैंड वाइफ वगैरह हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, ये उनको नहीं छोड़ सकते, ऐसा भी इनको लग रहा है। तो यहाँ पैसे के बारे में भी सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी की भी इनको चिंता है कि भाई उसमें शेयर जो मिलना है वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। और फिर तीसरा इंसान है जिसको ये छोड़ नहीं सकते, ये भी इनको लगता है। तो फिर आपके साथ रिश्ता जोड़ पाना मुश्किल भी है, ऐसा भी कहीं ना कहीं इनको लग रहा है। और बात यहाँ पर वही है गाइस कि आपसे ज़्यादा महत्व इनकी लाइफ में पैसे का है और परिवार का है, तो ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो परिवार कहीं पर नाराज़ ना हो, परिवार के साथ संबंध ख़राब ना हो, हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी हैं तो संबंध उनके साथ भी बना रहे, ऐसा ये चाहते हैं। और वही है कि भाई जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, पैसा वगैरह जो इन्होंने बनाया वो भी कुछ हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो अभी तो इनकी एनर्जी यही है गाइस कि ये आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन बाकी चीज़ों की तरफ भी इनका ध्यान है, बाकी चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए अभी तुरंत आ जाएंगे ऐसा तो नहीं है, आएंगे ज़रूर पर समय अभी लगेगा। और यहाँ पर ऐसा है कि यह इंसान ऐसे हैं कि प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरह ये इमोशनल तो नहीं है, तो इसलिए वही है कि कहीं पर भी अपना नुकसान नहीं चाह रहे हैं, तो सोच समझ कर ये निर्णय लेंगे। तो ये बढ़ेंगे आपकी तरफ, समय इसमें लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। और अभी वही है कि आपको लेट गो कर देने की ज़रूरत है, आपको अब इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तब ये इंसान आपके पीछे भागेंगे, आप खुद देखेंगे। जब तक आप इनके बारे में सोच विचार करते रहेंगे यहाँ पर कुछ भी सही होने वाला नहीं, और ये इसी तरह से क्या है आपको वेट करना भी पड़ेगा और ये और समय लेंगे आपकी तरफ बढ़ने में। तो आपको लेट गो करना होगा, चीज़ें सही होंगी, समय लगेगा, थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। तो आप तब तक के लिए खुद पर काम कीजिए गाइस, आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस भी नहीं करना है,
किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चाहिए रीडिंग या अच्छी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।